हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको, अगर कोई व्हाट्सएप पे वो अपना लास्ट सीन को हाइड कर रखा है तो आप कैसे उसे पता कर सकते हैं, ऑनलाइन कब आता है, ऑफलाइन कब जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं। बहुत ही इजीली है और शायद आपको पता भी होगा और शायद ना भी पता होगा। और उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर कोई चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको रेड बटन दिख रहे होंगे और उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन यानी घंटे को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, और वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अपनी फ़ोन स्क्रीन पर लेकर चलते हैं एंड वहाँ पर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ फोन स्क्रीन पे। एंड यहाँ से मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि कैसे आपको पता करना है कि वो ऑनलाइन है या नहीं है। पे ये भी आप पता लगा सकते हैं, जैसे आप उनको मैसेज करते हैं या फिर वो मैसेज करते हैं तो आप उनको मैसेज करते हैं राइट, और वो मैसेज को सीन कर लेते हैं, लेकिन आपको ब्लूटिक शो नहीं होता, आपको दिखता ही नहीं है कि भाई वो सीन किया या नहीं किया। तो आप दोस्तों उसका भी पता लगा सकते हैं और साथ ही वो ऑनलाइन है या नहीं है वो भी आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इसको करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप में आना है। फटाफट मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा, लाइव प्रूफ बताऊँगा, जो भी रियल होगा वही बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट मत करना, अगर आप ऐसे करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं FM WhatsApp को ओपन कर लिया, ओके। अब मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, अब ओपन करने के बाद यहाँ से मैं मैसेज करता हूँ राइट, यहाँ से मैं मैसेज करता हूँ इस नंबर पे। हाय, मैंने हाय का मैसेज किया, ठीक है। अब मैं दूसरा व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, किधर गया, ये वाला है। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, यहाँ पे मैसेज आ चुका है हाई का और मैंने यहाँ पे सीन किया, ठीक है, और सीन किया। अब मैं यहाँ से एक मैसेज भेजता हूँ, हेलो, ठीक है। मैंने यहाँ से हेलो मैसेज भेज दिया। अब यहाँ से हेलो मैसेज भेजा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आपने जब हाई का मैसेज भेजा उनको, सॉरी, यहाँ पे आपने हाई का मैसेज उनका पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे उनके चैट में कि वो उनका चैट में ब्लू टिक दिखता है या नहीं दिखता, ठीक है। तो उसको देखने के लिए फिर हम चलते हैं उस व्हाट्सएप में। तो यहाँ पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे ब्लू टिक दिख रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे हाइड नहीं कर रखा है। उस हेलो को भी मैंने इस व्हाट्सएप से देख लिया। अब उस व्हाट्सएप में जाके देखते हैं कि मेरे मैसेज को सीन किए या नहीं किए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका टिक नहीं आ रहा, ब्लू टिक नहीं आ रहा ना, यहाँ पे आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपका व्हाट्सएप को सीन किया है या नहीं किया। और मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा भी देता हूँ कि मैंने यहाँ से इसको ऐड कर रखा है। पे क्लिक किया एंड FM सेटिंग पे क्लिक किया एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी पे हाइड लास्ट सीन यहाँ पे कर चुका हूँ एंड यहाँ से शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई, यहाँ पे मैंने इसको भी टिक कर रखा है, ठीक है। तो ये जो व्हाट्सएप होता है ना, FM व्हाट्सएप, GB व्हाट्सएप, ये सब में क्या करते हैं कि ऐसे ही अपना ब्लू टिक को ऑफ कर देते हैं, जिससे कि आपका मैसेज जो सीन कर लेता है फिर भी वहाँ पे आपको शो नहीं होता। तो इसको देखने के लिए, पता करने के लिए कैसे करना है, तो देखो, जैसे मैंने इस व्हाट्सएप को ओपन किया, ठीक है, अब यहाँ से तो मैसेज को पढ़ लिए हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो माइक दिख रहा है ना आपको, माइक ऐसे कर, तो इस माइक पे क्लिक करके आपको 1 सेकेंड का भी रिकॉर्डिंग सेंड कर देना है। ये ज़रूरी नहीं कि आप उसमें कुछ बोले ही, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलना, बस यहाँ पे आपको 1 सेकेंड रिकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड का रिकॉर्डिंग किया। अब यहाँ पे मैंने इसको सेंड कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो मेरा वॉइस है, मैंने सेंड किया है, उसको सुनता है तो यहाँ पे दिखता है या नहीं दिखता। तो मैं इस व्हाट्सएप में आ चुका हूँ, मैसेज भी आ गया, ठीक है। व्हाट्सएप में आने के बाद मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आप अगर किसी को वॉइस मैसेज करते हैं तो सुनेगा ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए वो वॉइस मैसेज को ज़रूर सुनेगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैं इसको जैसे प्ले करूँगा तो वहाँ पे उस व्हाट्सएप में ब्लू टिक शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, मैंने प्ले कर लिया, मैंने चुपके से सुन लिया। अब तो उसको लग रहा होगा कि भाई मैंने तो चुपके से सुन लिया, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन गाइस देखो, यहाँ पे मैं इस व्हाट्सएप को ओपन किया, यहाँ पे ब्लू टिक शो हो गया राइट। यहाँ पे पता चल गया कि वो बंदा ऑनलाइन भी है और वो बंदा मेरा मैसेज को पढ़ भी रहा है। इससे पता चल जाता है कि वो बंदा ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, या फिर वो आपका मैसेज को सीन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा चीज़ आपको इंक्लूड करके
बता दिया। तो दोस्तों आई होप कि आप सीख गए होंगे कि कैसे अगर कोई लास्ट सीन को हाइड कर दे तो आप उसे देख सकते हैं, एंड आप ये भी सीख गए होंगे कि कैसे आपको डायरेक्ट किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे कोई न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना बिल्कुल भी ना भूले इसी तरह का न्यू वीडियो देखने के लिए। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।